ये मेन बनीगाला विला रोड है, और अभी हम यहाँ से राइट टर्न करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट जो लैंडमार्क है ना, ये पाक कश्मीर स्वीट्स बेकर है, ये मदनी मस्जिद, जामिया दारुल कुरान और वो आगे एक स्कूल भी है। यहाँ से बिल्कुल हमने यहाँ से राइट करना है, सामने वाली रोड जो है ना आगे जा रही है भारतपुर की तरफ, मेन बाजार की तरफ। तो यहाँ से ही हम चढ़ाई चढ़ेंगे ऊपर, लेफ्ट होंगे और आगे ये घर आ जाएंगे। पार्क की हाउसिंग सोसाइटी है, अगर आप देखें, और ये रोड यूं मुड़ेगी तो सामने एंड पे ये घर है, डेड एंड स्ट्रीट है। फ्रंट एलिवेशन है, यहाँ तक ये घर है, ये स्ट्रीट व्यू है। वो उसके फूल जहाँ आपको नजर आ रहे हैं उसका बैक लॉन है, और ये सारा इसका गैरेज है। सामने आपको मेन एंट्रेंस नज़र आ रही है, उधर से अगर आप आएँ तो ये बैक जो इसका लॉन है, इसका आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। बड़ी अच्छी लैंडस्केपिंग व्यू है। पहले आपने एक रॉकरी और देखी, और ये फायर पिट है, यहाँ से घर से ये बैक से ये इसकी एग्जिट है इस लॉन का, और ये सामने बारबेक्यू का बना हुआ है। टिपिकल बनीगाला का बड़ा जो घर है उस टाइप का है, और असल बात है ये इसका व्यू बहुत स्टनिंग है। ये पूरा देखें आपको इस एरिया यहाँ से नज़र आता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग जगह पे बना हुआ है, व्यू इसका कमाल का है। अस्सलाम वालेकुम, चले मैं आपको घर का टूर कराता हूँ। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, और ये पीछे जो आप छोड़ के हैं ये इसकी ड्राइंग रूम की है, और ये इसका पाउडर रूम है, ये स्टेयर इसके ऊपर जाती है, और यहाँ से इसकी दूसरी एंट्रेंस है, ये जो कि मेन लाउंज के अंदर आगे खुलती है, और इधर से एक और एंट्रेंस है। ये दो राइट लेफ्ट के ऊपर दोनों बेडरूम्स हैं। ये भी इसका ड्राइंग डाइनिंग है, ये ड्राइंग है, ये इसका डाइनिंग है, और ये एक बेडरूम गेस्ट बेड इधर। ये इसका गेस्ट बेड है, इसमें ये फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है जो कि सारा यूएस से आया है, और ये इसका वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम। ये इसका बहुत बड़ा यूज किस्म का है लाउंज है, ये इसका एलसी पैनल इधर किचन है, ये इसका किचन है, ग्रेनाइट का इसके काउंटर टॉप्स हैं, बड़े अच्छे सुपर ग्लास के अंदर ये देखें इसकी बनी हुई है
वाटर ये इसकी जो कैबिनेटरी बनी हुई है, इधर ये फ्रिज की जगह है, ये कैबिनेट्स हैं जो इसी सारी बनी हुई है उसी तरह, ये ग्रे और व्हाइट के अंदर, और ये इसका दूसरा किचन है। ये मास्टर बेडरूम है, जिस मास्टर बेडरूम है जिसके अंदर ये देखें आप इसके दोनों तरफ कॉर्नर पे बहुत बड़ी विंडो लगी हुई है, सामने रॉकरी और व्यू फुल आपको नजर आ रहा है इस जगह से। ये वॉक इन क्लोजेट है और ये इसका बड़े साइज का आपको बाथरूम है, ये इसकी जो लगी हुई है फुल जकोजी, ये टॉयलेट जो है इसका वॉल माउंटेड लगा हुआ है और सारी सैनिटरी इंपोर्टेड है, सारी सैनिटरी इसकी इंपोर्टेड है। इवन ये चीजें जो है ये भी हमने यूएसए इंपोर्ट की हुई है। हर बेडरूम के अंदर ना एलसीडी की भी जगह लगी हुई है। बहुत बड़ा है, इसका पीछे लॉन है, उस तरफ एक इसकी बनी हुई है रॉकरी बनी हुई है, बाकी सब इन्होंने लैंडस्केपिंग की हुई है, पूल्स वगैरह लगाए हुए हैं। ये फायर पिट है और वो सामने जो है ना वो सामने बारबेक्यू का स्टैंड है। ये बारबेक्यू का स्टैंड है और बारको और आगे मरी के पहाड़ नजर आ रहे हैं, और इस तरफ लेफ्ट के ऊपर आपको इस्लामाबाद नजर आ रहा है। बहुत ही डोमिनेटिंग जगह है और यहाँ से आपको फुल इस्लामाबाद, इवन ये जो घर है ये नीचे सारे इसके नीचे नजर आ रहे हैं। ये इसका टेरेस है, ये पाउडर है, ये शो ऊपर वाला किचन है। इधर अगर आए तो आप तो यहाँ पे इसका मेन लाउंज है, वुड फ्लोरिंग हुई भी है इस तरह का है, और ये इसका ये फर्स्ट फ्लोर का जो है ना ये टेरेस है, ये भी काफी ऊंच है, इधर से लेके चारों तरफ ऊपर इन्होंने अकोमोडेशन कम बनाई हुई है, ये बाहर ये बना हुआ है, और फर्स्ट फ्लोर से ये व्यू है बैक साइड का। ये सर्वेंट क्वार्टर है ऊपर, वॉशरूम ऊपर नहीं है, ये किचन है, बल्कि ये किचन है। इस तरफ आपका बाराको नजर आ रहा है, लेफ्ट के ऊपर आपका इस्लामाबाद है, ये बाराको है, और जो जो आप लेफ्ट देंगे आपको आगे इस्लामाबाद बनी इमाम और सारा एरिया नजर आता है। बनी काला है जहाँ इमरान खान का घर है, और ये जो सोसाइटी आपको नजर आ रही है सामने ये पाक इनक्लेव है हलीम खान, इसमें देखें बहुत ज्यादा घर भी बन गए, और इस बिल्कुल घर के सामने ये सिचुएशन है, ये वाला प्लॉट है घर के सामने, उसने सिर्फ बाउंड्री वॉल बना के एक रूम बनाया, और ये बेसिकली इसकी एक्सेस है यहाँ से, उधर से हम आते हैं यहाँ से ऊपर चढ़ के तो ये सीधे इधर में आते हैं, ये डेड एंड है।